सो हेलो एवरीवन, ये है प्रीतिका ऑटो इंडस्ट्रीज़ के क्वार्टर 3 के रिजल्ट तो आ गए। यहाँ पर देखते हैं शेयर के रिजल्ट्स यहाँ पर कैसे आए हैं। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर इस शेयर के टोटल इनकम से। तो ईयरली बेसिस में यहाँ पर जो इनकम है वो 7,809.11 लाख था, जो क्वार्टरली बेसिस में 7,115.60 लाख यहाँ पर हो गया है। क्वार्टरली बेसिस में यहाँ पर जो शेयर की इनकम है वो यहाँ पर डिक्रीज़ हुई है, और टोटल एक्सपेंसेस ईयरली बेसिस में 7,482.94 लाख था, जो क्वार्टरली बेसिस में 6,626.29 लाख यहाँ पर हो गया। इनकम के साथ साथ यहाँ पर एक्सपेंस भी डिक्रीज़ हुए हैं। और यहाँ पर अगर टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम प्रॉफिट को देखें तो वो ईयरली बेसिस में 286.63 लाख था, जो क्वार्टरली बेसिस में 399.5 लाख यहाँ पर हो गया है। प्रॉफिट्स यहाँ पर इंक्रीज हुए हैं, और अर्निंग पर शेयर 32 पैसे से अब यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस में 33 पैसे हो गया है। वैसे तो यहाँ पर जो शेयर के रिजल्ट है वो ठीक ही देखने को मिले हैं। बाकी करते हैं प्राइस लेवल की बात, तो मैक्सिमम टारगेट 55 रुपये के अराउंड तक देखने को मिल जाएगा। और मंडे को जो है थोड़ा बहुत यहाँ पर वैसे अप ट्रेंड में जाने के चांसेस है, और यहाँ पर जो क्लोजिंग है वो 51.50 रुपये देखने को मिली है। तो मंडे को 52 रुपये जो है मैक्सिमम टारगेट यहाँ पर रह सकता है।